यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितरि दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारे योग प्रचारक विश्वजीत जी के द्वारा यह कार्यक्रम आज गीता पाठ का कार्यक्रम यहाँ पे हावड़ा जिले में रखा गया है, जहाँ पे भी वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार हम किसी भी शुभ कार्य का आह्वान करते हैं, शुभ कार्य को करते हैं, तो ओम के साथ हम उसका शिलान्यास शुरुआत करते हैं। और परमपिता परमेश्वर से आह्वान करते हैं, अस्तु मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो, कि हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और मंत्र बोलते हैं संगचतम संवदतम समूह मनासी जायता, हम सांस सांस चले, सांस सांस आगे बढ़े इस जीवन में, सभी को साथ ले जाने के लिए आह्वान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य जाति है, ये सुखी रहे, समृद्धि इनके जीवन में आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, और सभी भाई बहन निरोगी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, सुखी रहे, हमारे जीवन में शांति रहे, इसका आह्वान उस परमपिता परमेश्वर उस निराकार ब्रह्म से करते हैं। गीता भागवत गीता भी उस शांति के लिए, उस धर्म की स्थापना के लिए आज से 5200 साल पहले योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन के मनोविज्ञान पर आधारित है, उनके मन के विज्ञान पर आधारित है। और एक युद्ध आज से 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था, धर्म और अधर्म के बीच, नीति और अनीति के बीच, सत्य और असत्य के बीच, और एक युद्ध वर्तमान समय में हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हर परिवार में, माता पिता के बीच, पति पत्नी के बीच, पुत्र और बच्चों के बीच, पुत्र और बच्चों के बीच, साथ साथ गुरु और शिष्य के बीच लड़ा जा रहा है। जीवन में जब हम संसार से निराश हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो अंत में भगवान याद आते हैं कि क्या है, तब अंतः प्रेरणा के अनुसार, अंतःकरण की भावनाओं के अनुसार व्यक्ति न्याय की तलाश करता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ऐसा भी दौर जीवन में गुजरता है। भागवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो आस्तिक लोग हैं इस संसार में, जो कहते हैं मैं आस्था वाला हूं, ईश्वर पे विश्वास करता हूं, उसके लिए भी है, और जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान की सत्ता को नहीं मानता हूं, मैं नास्तिक हूं, उनके लिए भी है।
आस्तिक व्यक्ति गीता के सहयोग से, गीता के स्मरण से, गीता में जो उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिए हैं उनके सहायता से अपने जीवन को धीरे 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 उन्नति की ओर ले जाता है, उन्नत आरोहण देता है, उस परमात्मा की सत्ता की ओर आगे बढ़ाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम कह देते मोक्ष की ओर ले जाता है। इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए गीता एक माध्यम है। तो वहीं दूसरी तरफ जो नास्तिक लोग हैं और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों में तो व्यवहार काल में भी यह गीता बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है। चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, सबके घर में आज धर्म युद्ध चल रहा है। पिता और पुत्र के बीच संपत्ति के लिए, दो भाइयों के बीच संपत्ति के लिए। आज से 5000 साल पहले भी यह युद्ध लड़ा गया था संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, राज्य शासन के लिए। और आज भी अपने जीवन के शासन से लेकर अपनी प्रॉपर्टी, जो हमारे पास भौतिक सुख समृद्धि है, उसके लिए माता पिता भी लड़ रहे हैं कि बंटवारा करें तो कैसे करें, किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉपर्टी ना चले जाए, किसी को कम ना चला जाए, इसके लिए भी युद्ध होता है। दो भाइयों के भी जमीन विवाद होते हैं, वहां पे भी गीता की जरूरत है। पति पत्नी के जो विचार नहीं मिलते हैं तो वहां पे भी गीता धर्म का काम करते हैं, धर्म ग्रंथ सहायक देती है। पति पत्नी का झगड़ा होता है, वहां पे भी जरूरत है। पुत्र दो पुत्रों के बीच में माता और पिता के बीच, उनके भी झगड़े हो जाते हैं कभी कभी, न्याय नहीं मिल जाता बेचारे, वहां पे गीता प्रेरणा देती है। इसीलिए यह ग्रंथ चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सबके लिए है। जो भी इससे प्रेरणा लेकर उसको कर्म स्वरूप करना लगेगा, उसमें व्यवहार में उसको घटित कराने लगेगा, तो गीता आज भी प्रासंगिक ग्रंथ के रूप में उसको मदद करेगी। अगर हम इसका सहारा लेकर वैसा आचरण करने लगे, वैसा व्यवहार में हमारे जीवन में घटित होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन के बीच में जो युद्ध छिड़ा था, तीन पात्र गीता के मुख्य रूप से हैं भागवत गीता में। एक है योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर श्री कृष्ण 16 कलाओं के जानकार हैं, महायोगी हैं, तपस्वी हैं। भगवान का वह विराट स्वरूप उनके अंतःकरण में विराजमान है, उनके आत्म स्वरूप में विराजमान है। वह व्यक्तित्व अपने परम शिष्य अर्जुन को उस सत्य और असत्य, पुण्य और पुण्य, धर्म और अधर्म के बीच जो युद्ध चल रहा है इस संसार में, उसमें विजय देखना चाहते हैं। और उसको विजय करने के लिए विजय श्री उसके सर पर लाने के लिए, सर पर विजय श्री का मुकुट डालने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण 18 अध्यायों में उनको गीता का उपदेश देते हैं, योग का, योग माया का उपदेश देते हैं। अर्जुन विषाद योग से समझाने का प्रयास होता है, शांति योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, राज विद्या, राजगुही योग से समझाते हैं अर्जुन को। फिर क्षेत्र क्षेत्र जी, पुरुषोत्तम योग, विश्व रूप दर्शन योग, श्रद्धा योग, अक्षर ब्रह्म योग, क्षेत्र क्षेत्र जी योग, अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझा कर कि हे अर्जुन, अगर तू मेरे द्वारा नहीं समझाया गया, मैं तेरा मन को नहीं बदल दूं, तो आने वाली पीढ़ियां मेरे को क्या कहेंगी कि अर्जुन इतना बड़ा योगी, ईश्वर स्वरूप धरती पर गया और एक व्यक्ति को धर्म में खड़ा, युद्ध में खड़ा कर उसको विजयी नहीं करा पाया। तो ये प्रतिष्ठा का सवाल था योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाया। और अंत में 18वां अध्याय में यहां तक कर दिया, जब अर्जुन की समझ में नहीं आया, क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त है, मोह उसका मन, कलुषित मन, दुखी मन, मोह में फंसा हुआ मन। एक तरफ वो अपने गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण को देखते हैं, तो दूसरे तरफ उसको आगे दुर्योधन के बचपना याद आता है, चचा ताऊ फूफा फाफी जितने उनके विरोध में कौरव सेना की वो लड़ रहे हैं वो नजर आते हैं। उनको भीष्म दादा गुरु, भीष्म पितामह नजर आते हैं, जिन्होंने अर्जुन को बचपन में अपनी गोद में खिलाया है, शस्त्र विद्या ज्ञान दिया है, शस्त्र विद्या दी है। तो वो कहता है कि आगे तो मेरे
रिलेटिव है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उन पे कैसे बाण चलाऊं। तभी तो बोला सीदन की मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, वो एक पुष्ट शरीर में रोम हर्षित जायते। हे योगेश्वर, आप मेरे से धनुष उठाने की बात कर रहे हैं, युद्ध लड़ाने की बात कर रहे हैं, मेरा तो शरीर कप कप छूट रही है, कप कप ही छूट रही है, मेरे शरीर से पसीना बह रहा है। मैं आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपने जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी मेरे परिजन हैं, उन पे हथियार कैसे उठाऊं। मोहग्रस्त और धर्म और अधर्म में फैसला नहीं कर पा रहा है अर्जुन, ये स्थिति अर्जुन की है। आज भी परिवार में भी माता पिता की ऐसी स्थिति बनी रहती है, न्याय नहीं कर पाते हैं कभी कभी, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए गीता का पाठ किया करें। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि मुझे किसी भी तरीके से अर्जुन को इस युद्ध में विजयी बनाना है। दूसरी तरफ दुर्योधन है, वह छल कपट करके शाम दाम दंड भेद करके उसका भी लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे पांडव पुत्रों को, पांडवों को एक जमीन का एक टुकड़ा नहीं देना है, एक गांव भी नहीं देना है इस राज्य में से, और उसके लिए वो अपनी सेना बढ़ा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरीके से मैं इन पांडवों का विनाश कर दूं। इस दृष्टि को अर्जुन नहीं भाव पा रहा है, वो फिर भी मोह में है और उससे मोहग्रस्त उस दुखी मन को, उस मोहग्रस्त मन को, जो जिस प्रकार का मन तब अर्जुन का था, उस प्रकार का मन आज माता पिता का मोहग्रस्त। माता पिता, क्योंकि कोई भी संसार में कार्य होता है, कोई भी अच्छा काम करता है, कोई लड़का बुरा काम करता है, अपराध होते हैं, अच्छे काम होते हैं, समाज सेवा के काम होते हैं, धर्म के काम होते हैं, अधर्म के काम होते हैं, चोरी होती है या ईमानदार व्यक्ति पैदा होता है, सदाचारी बच्चा पैदा होता है या दुराचारी बलात्कारी अपराधी मर्डर करने वाला, सभी बच्चे जिसकी माँ के गर्भ से निकल के आते हैं, माँ का ही वह गर्भ है जहां से भगवान श्री कृष्ण पैदा होते हैं, और वही माँ का गर्भ है जहां से कंस पैदा हो जाता है, वही माँ की कोख है जिसकी कोख में 9 महीने तक रावण रहता है, वही कोख माँ की है जिसमें 9 महीने तक श्री राम रहते हैं। तो माँ की कोख से जब बच्चा बाहर आता है, उसकी स्थिति भी अर्जुन की तरह हो जाती है माता पिता की, मोहग्रस्त क्या हो जाती है। जब मोहग्रस्त मन माँ रहती है, माता पिता मोहग्रस्त रहते हैं, तो संतान उत्पन्न जो होती है वो वर्ण संकर होती है, क्या होती है, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदूषित कुल स्त्री स्त्रेष दुष्टास वासणी और जायते वर्ण संकर। अधर्म के बढ़ने से, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदूषित कुल की जो स्त्रियां हैं उनके गर्भ क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दूषित मतलब भोजन से दूषित, आंख के विचारों से दूषित, कान के संगीत से दूषित, मुंह के भोजन के मुंह के भोजन से दूषित और नाक के सुगंध से दूषित और हाथों और पैरों के कर्म से दूषित। वो कोख को क्या बोला गया है, वर्ण संकरता, दूषित गर्भ बोला गया है, क्या बोला गया है, दूषित गर्भ, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म में तो 16 संस्कारों की मान्यता है ना, गर्भाधान पुम समन सीमान पुनय जात कर्म नामकरण निष्कर्मण अन्न प्राशन चूड़ाकर्ण कर्णवे उपनय वेदारम समावर्तन गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास और अंत्येष्ट। तो जब ये प्रक्रिया से मनुष्य का निर्माण नहीं होता है तो मोह आ जाता है, प्रेम नहीं देखता, वो माँ का माता पिता का मोह ही है जो बच्चों को सुबह सुबह उठाते नहीं है, सुबह उठाते हैं, संडे तो हो गया, माँ तो एक बच्चे में एक कपड़ा ओढ़, आज संडे है थोड़ा लेट में उठना कोई बात नहीं, आज तो संडे है स्कूल नहीं जाना, तो एक कपड़ा और करके पंखे को थोड़ा धीमा करके सोजा खुद भी सोई रहती है और उसको भी सुला देती है। ये वो माता पिता का, और प्रेम क्या हो जाता, मोह तुरंत फल देगा, अभी आपको दिलासा है मेरा बेटा सो जाए, अगर आप प्रेम करती तो बच्चे को 4 बजे उठाती, गुनगुना पानी पिलाती, आंवला एलोवेरा जूस पिला के 2-4 किलोमीटर उससे दौड़ाती,
पहले पेट साफ कर, फिर योगा अभ्यास कर, शरीर से पानी पसीना बहा और नहीं सोता उठता है तो एक लोटा पानी डालती या किसी तरीके से उसको दंडित करती उठाती कि तेरा जीवन का प्रकाश निकल रहा है, तेरे हाथ से छूट रहा है, तू उठ जा। सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सारे शास्त्रों ने उल्लेख किया, तो मां दूषित हो गई। मां खुद 8 बजे तक सोई रहती है और फिर पुत्र सोया रहता है, बाप सोया रहता है, फिर बच्चा जीवन भर ही सोया रहता है ना, सोया रहता है ना। आपके बच्चे भी सुबह सुबह सोए रहते हैं, उनका जीवन में बीमारियां आती हैं, मन की बीमारियां आती हैं, भोजन की बीमारियां, मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। सुबह जो जल्दी नहीं उठेगा तो वो आलसी व्यक्ति होगा, जहां भी इंजीनियर बनेगा वहां गड़बड़ करेगा, डॉक्टर बनेगा वहां गड़बड़ करेगा, योग नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा, आसन नहीं करेगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में भगवान का निवास रहता है। शास्त्रों में क्या बोला गया है, स्वस्थ शरीर में भगवान का निवास, बीमार में नहीं रहेगा। बीमार तो पहले स्वस्थ करना है। गुरु जी को अभी पुष्पमाला चढ़ा के आया हूं मैं, है ना। उनके शिष्य हुए विवेकानंद, क्या बोले युवाओं को, हे मेरे देश के युवाओं, तुम्हारे लिए गीता पढ़ने से मधुर फुटबॉल खेलना होगा। क्या बोले, हे मेरे देश के युवाओं, तुम्हारे लिए गीता पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण फुटबॉल खेलना होगा, क्योंकि फुटबॉल खेलना मतलब स्वस्थ शरीर रखना, पसीना बहाना, योग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, शरीर को मजबूत करके। अगर तुम फुटबॉल खेल के पसीना बहा के शरीर को मजबूत करके तो गीता भगवान क्या कहना चाहता है उसको और अच्छे तरह समझ पाओगे। अगर बीमार रहोगे, ब्रह्मचर्य का जीवन आपका रहेगा नहीं, तो गीता तुम्हें उपन्यास नजर आएगा। क्या आएगा, भगवान पे संशय होगा कि ये भगवान हुआ भी था या नहीं हुआ था, जैसे नास्तिक लोग सोचते हैं। और शरीर स्वस्थ है तो आप ध्यान लगा के भगवान के मंदिर पर भी पूजा अर्चना कर पाएंगे, नहीं तो मंदिर में बैठ के भी पुजारी जी का पेट नजर आएगा। क्या आएगा, पुजारी जी का पेट, लड्डू नजर आएंगे। क्या आएंगे, लड्डू, कितना दान दक्षिणा आई है मंदिर में वो ध्यान आएगा। बाहर चोरी, चप्पल कोई चोरी तो नहीं कर लिया, यमन याद आएगा, आता ही नहीं आता है। मंदिर में जाके क्या नजर आता है, पुजारी जी का पेट, लड्डू, लड्डू, कितना दान आ गया। और लोग मंदिर में आए तो उसने कपड़े कैसे पहने हैं, कैसा मेकअप किया है, यही तो याद आता है। और या फिर मंदिर में अंदर घुस गए, कोई चप्पल तो चुरा के नहीं ले गया, ये याद आता है। तो वो टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, वो तो मन को एकाग्र करने का स्थान है। और फोन आ गया तो और दिक्कत है, फोन आ जाता है, फोन, अभी अभी पूजा कर रही हूँ, अभी 10 मिनट बाद चलेंगे शॉपिंग करने, मंदिर से बोलते हैं। तो अगर यही भाव, अगर चिंतन हमारा मंदिर में रहना था तो खरी से पूजा कर लेती। तो मंदिर तो कोई टूरिस्ट प्लेस है नहीं, फोटो खींचने का स्थान है नहीं, वो तो अपने मन को उस ईश्वर की प्रतिमा के द्वारा एकाग्र करने का स्थान है नहीं है। तो ये मोह जो बात आई, वही मोह मैंने बीच में आपके व्यवहार में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जो अर्जुन की स्थिति है वो आज माता पिता की स्थिति है। सुबह उठाना या नहीं उठाऊं, माँ दूरदृष्टि हो नहीं पाती कि इसको मैं उठाऊं, जबरदस्ती उठाऊं सुबह सुबह, तो इसका जीवन आगे इसका खुश रहेगा, इसका उज्जवल भविष्य होगा। हाँ, नंबर लाने के लिए हम पूरा अभ्यास करते हैं, वो देखो 100 नंबर लाने हैं, कितने नंबर, 100, लेकिन चरित्र निर्माण की शिक्षा हम दे नहीं पाते, जीवन निर्माण के लिए दे पाते हैं। नंबर, नंबर की रेस पड़ी है, किसकी नंबर पड़ी है, या वो है। अगर मैं केवल ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चे 100 नंबर ले आए, कितने नंबर, और उसके जीवन की दिनचर्या, उनका अनुशासन ठीक सेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको उचित संस्कार नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, तो नंबर तो वही आईएएस ऑफिसर तो बनेगा, देश को लूटने में लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि देश का जितना पतन हो रहा है, भ्रष्टाचार जितना होता है, कौन करती है, टॉप ब्यूरोक्रेसी, जितना बड़ा आईएएस बन जाता है उतना बड़ा देश को लूटता है। पता है आपको बड़े घोटालों में कौन इन्वॉल्वमेंट होता है, जो क्लास वन ऑफिसर होता है, कौन होता है, भारत में सबसे पद है आईएएस, क्या होता है, और भारत की जो ब्रेन है, टॉप ब्रेन माना जाता है, किसको बोला जाता है, आईएएस को बोला जाता है। तो वो आईएएस ऑफिसर जो है वो ये काम करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी मां की पिता की ट्रेनिंग नहीं है सदाचार की, ईमानदारी की, मां बाप ने स्टेडिंग दी नहीं, तो
वो लग गया वहां पे भी व्यवसाय के लिए। आपके नंबर बच्चे के 50 नंबर आए, कितने नंबर आए चलेगा, पास भी 33% मैं कह रहा हूं, और उसके जीवन में सदाचार हो, ईमानदारी हो, योगी हो, तपस्वी हो, दारू नहीं पीने वाला हो, गुटखा नहीं पीने वाला हो, तो उसका जीवन सुखी सुखी गुजरेगा। क्या गुजरेगा? नंबरों से जीवन सुखी नहीं हो सकता। जीवन सुखी किसे होगा? सदाचार से, ईमानदारी से, शरीर को हष्ट पुष्ट, ये मन और शरीर को स्वस्थ रखने से, प्रभु भक्त होने से, माता पिता भक्त होने से। आपको प्रैक्टिस यह करनी है बच्चों को कि माता पिता भक्त हो, बच्चा क्या हो? माता पिता। यही स्थिति दुर्योधन की हुई है। माता पिता धृतराष्ट्र ने युद्ध करने से रोका, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। माता पिता युद्ध नहीं चाह रहे थे, पिता ने तो बोला दुर्योधन को, धृतराष्ट्र ने, कि उसको दे दो, पांडव पुत्रों को भी आधा जमीन दे दो, लेकिन उसका घमंड एक टुकड़ा नहीं था। उसने कहा मैं तो कुछ ही नहीं दूंगा उसे, क्योंकि वो योगी नहीं था, वो तपस्वी नहीं था, सदाचारी नहीं था, माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। तो वो स्थिति होती है, और आज की स्थिति भी वही है। आज धृतराष्ट्र माता पिता हो गए, कौन हो गए हैं? जिसके भी बच्चे हैं, आप उनको खुद पहले उठिए, सदाचारी बनिए, उनको उठाइए बच्चों, क्योंकि तेरा बच्चा जो तेरा गर्भ नहीं है, गर्भ में है, वो केवल तेरा ही नहीं है, वो समाज को, उस गांव को प्रभावित करने वाला है, उस जिले को प्रभावित करने वाला है, वो राष्ट्र को प्रभावित करने वाला है, और वो विश्व को प्रभावित करने वाला है। सब पे प्रभाव पड़ता है आपके संतानों का। आप जैसा उत्पादन मां के गर्भ करेंगे तो वैसा समाज बन जाएगा। आज वही स्थिति है। हम कह रहे हैं वो गड़बड़ हो गया, वो नेता गड़बड़ है, वो रोड उसमें कमीशन खा दिया, ये गड़बड़ है, तो ये सब दोष कहां से आए हैं? वर्ण संकरता के दोष हैं। अधर्माम हि भवान् कृष्णो प्रदूषयन् पुत्रस्य स्त्रेषु दुष्टासु वासनेव जायते वर्ण संकर। तो ये धृतराष्ट्र माता पिता हो गए हैं, अर्जुन माता पिता हो गए, मोह में फंस गया है, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो दिक्कतें आई हैं माता पिता के सामने। धृतराष्ट्र भी माता पिता हो गए। हाँ, पहले 16 संस्कारों से बच्चों का जन्म होता था। कितने संस्कारों से? हाँ, आजकल तो माता पिता बच्चों की शादी करके भी चाबी अपने पास ही रखते हैं, जबकि माता पिता को बच्चों को, जब बच्चों की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी, माता पिता को चाबी बच्चों को देकर अपना पीताम्बर वस्त्र पहनकर सेवा में सत्संग में लग जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है वो, और वो हमें गिरता है, वो पड़पोता देखना चाहता है, पोते का भी पोता, और बुढ़ापे तक चाबी अपने पास से रखता। तो ये वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद क्या था? वानप्रस्थ, कि आप तो तूने जवानी काट ली है, बच्चों की शादी कर लिया है, आप तो सेवा में लग जाओ, क्योंकि वो वानप्रस्थ में चले जाएगा उसके बाद गृहस्थ से। लेकिन होता नहीं है। आप लोग भी जितने दुखी आत्माएं हैं, यही कारण है दुखी होने का, और दुखी बुढ़ापे में और ज्यादा हो जाओगे, जो जो उम्र बढ़ेगी और दुख होता है। इसलिए जिनके भी बच्चों की शादी हो गई, एक तो यह प्रण ले आगे गीता पाठ के बाद कि अब मैं घर की चाबी बहू को देकर इससे मुक्त हो रही हूँ, मैं कुछ खेती में काम नहीं करूंगी, मैं इनको घर में ज्ञान नहीं बांटूंगी, ऐसा कर वैसा कर नहीं कहूंगी, मैं भगवान का रमण करूंगी, बस बच्चों से यही निवेदन करूंगी 2 से 3 समय मेरे को भोजन दे देना। कितना समय? 2-3 समय का मुझे भोजन दे देना जी, मैंने तुम्हारी पूरी तैयारी की है, और प्रॉपर्टी में उनके नाम मत करना, वो बुढ़ापे में करना, हाँ, जिससे कि वो काम करे, और मैं घर का काम आप कुछ नहीं करूंगी, मेरा काम समाज सेवा का है, अपना प्रार्थना का है, भजन का है, कीर्तन का है, ईश्वर संगति का है, ये का है कि वो हम शादीशुदा, इनकी शादी हो गई, बच्चे की शादी कर दी, वो बुजुर्ग इस पे लगे, तो ये बुजुर्ग नहीं लगे, धृतराष्ट्र नहीं लगा, तो वो दुखी। अर्जुन माता पिता के रूप में है अभी, उसको मोहग्रस्त है, माता पिता भी है। आप में भी कई लोग संशय में होंगे, एक लड़का दारू पीता है, एक नहीं पीता है, तो किसको आप क्या अधिकार दें, कौन अच्छा है कौन बुरा है? माता पिता के लिए संकट है। तो आप ये गीता का अध्ययन करेंगे, आपको भी धर्म ज्ञान होगा। गीता के बहुत बड़े चैप्टर हैं, क्योंकि मैं इसमें बीच बीच में व्यवहार काल भी जोड़ रहा हूँ, केवल प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, आपसे जुड़ी हुई चीजों को भी छूने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि वो आज भी व्यवहारिक हो, उतना ही प्रासंगिक हो।
तो 17वां अध्याय है श्रद्धा योग का। मैं श्रद्धा योग इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हम सभी मुक्ति चाहते हैं। कौन कौन मुक्ति चाहता है, मोक्ष कौन चाहता है, हाथ खड़ा करो। जो जो मोक्ष चाहता है मतलब भगवान को पाना चाहता है, सभी पाना चाहते हैं भगवान को। भगवान को पाने के लिए उपासना करते हैं, क्या करते हैं, उपासना, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं। तो उस पद्धति को योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में इस श्रद्धा योग में समझाया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इस चैप्टर के, क्योंकि सारा तो इसका अध्ययन आज मैं कर नहीं पाऊंगा, जो मुख्य श्लोक हैं और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे आप प्रेरणा लेकर उपासना की ठीक पद्धति समझ पाएंगे, पूजा की ठीक पद्धति आप समझ पाएंगे, और प्रार्थना पूजा उपासना प्रभु भक्ति की ठीक ठीक पद्धति आपको इस गीता के 17वां अध्याय से प्राप्त होगी। इसीलिए मैंने आपके लिए यही अध्याय चुना है। मैं कुछ श्लोकों का उच्चारण करूंगा यहाँ मंच से और आपको उनको दोहराना होगा, ठीक है ना। भविष्य में कब गीता पढ़े या ना पढ़े तो इससे अच्छा मैं पहले गीता के श्लोक का उच्चारण करूंगा, उसके बाद आपको रिपीट करना है, दोहराना है, और फिर मैं उसकी व्याख्या आपके सम्मुख करूंगा। मैं पहले ये कह रहा हूं, मैं केवल मीडिएटर हूं, माध्यम हूं आपके बीच और इस शास्त्र के बीच। आपको मैं सुना रहा हूं और गीता में जो लिखा है, और गीता और आपके बीच में मीडिएटर हूं, माध्यम हूं। बाकी मेरा इसमें कुछ जोड़ तोड़ नहीं है। ठीक ठीक उपासना की पद्धति क्या है, भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। तो 17वां अध्याय अर्जुन की जिज्ञासा है, अर्जुन की जिज्ञासा, अर्जुन की शोक मतलब कुछ पूछना चाहता है, प्रश्न योगेश्वर श्री कृष्ण ने कृष्ण के सामने। तो अर्जुन ने वाच किया है, अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा, आप इसके पीछे इसको रिपीट करेंगे, ए शास्त्र विधिम उत्सृज्य, बोलिए ए शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यजन्ते श्रद्धया अनुमिता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण स्वत्वं आहो रजवतम। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अनुमिता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण स्वत्वं आहो रजतम। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा और समाधान अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, हे देवकी नंदन, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शास्त्र परंपरा में स्वाध्याय नहीं किया, वेद उपनिषद का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि उस समय गीता लिखी नहीं गई थी, गीता तो बाद में लिखी गई। तो उस समय जब अर्जुन थे, कृष्ण थे, तो वेद और उपनिषद दर्शन थे, तो जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो वो और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिनको श्रेष्ठ गुरु मिल गया है, तो ये जो जिन्होंने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषद का अध्ययन किया है, वो तो भगवान की सत्ता को समझ लेगा। लेकिन ऐसे भी संसार में लोग हैं जिन्होंने वेद तो पढ़े नहीं है, जिनको संस्कृत तो आती नहीं है, तो उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति किस प्रकार की है, सत्व वाली है, रजस वाली है या तमस वाली है, ये प्रश्न तब पूछा है, लेकिन यह आज आप पे लागू होता है। आप लोगों ने भी वेद नहीं पढ़े हैं, किसने वेद पढ़े हैं, हाथकड़ों नहीं पढ़े, उपनिषद पढ़े हैं नहीं पढ़े, दर्शन भी नहीं पढ़े, कोई भी शास्त्र अध्ययन नहीं किया है, तो शास्त्र विधि में अध्ययन नहीं किया, तो आप भगवान इन ऐसे लोग जो हैं, अर्जुन उस समय पूछ रहा है और ये आप पे लागू होता है, तो आपके अंदर किस प्रकार की श्रद्धा है। तीन प्रकार के लोग होते हैं ना, एक होता है सात्विक, बोलिए, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक भोजन भी होता है, राजसिक भोजन होता है और तामसिक भोजन होता है। सात्विक दान होता है, राजसिक दान होता है और तामसिक दान होता है। सात्विक जो होते हैं विचार होते हैं, राजसिक विचार होते हैं और तामसिक विचार होते हैं। सात्विक राजनीति होती है, राजसिक राजनीति होती है और तामसिक राजनीति होती है, सब चीज। और सात्विक श्रद्धा होती है, सात्विक भक्ति भी होती है, और सात्विक और राजसिक भक्ति भी होती है और तामसिक
भक्ति भी होती है। तो यहीं पे प्रश्न किया योगी सर श्री कृष्ण से अर्जुन ने कि जो शास्त्र विधि से जिन्होंने वेद उपनिषद शास्त्रों मनु स्मृति अनेकों अनेक ग्रंथों का ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन तो क्या नहीं, उनको पता नहीं भगवान की परिभाषा क्या है, उनको पता नहीं शास्त्रों के अनुसार वेदों के अनुसार ईश्वर की परिभाषा क्या है, उनको ये पता तो है नहीं आत्मा की परिभाषा क्या है, ईश्वर क्या होता है, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, प्रारब्ध क्या होता है, पिछला जन्म क्या होता है, अगला जन्म क्या होता है, पुण्य क्या होता है और पाप की परिभाषा शास्त्रों में क्या है, वैदिक धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार, तो वो तो उन्होंने पढ़ा नहीं। तो हे अर्जुन कृष्ण कि जिन लोगों को ये पता ही नहीं है क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन हुआ नहीं और न संस्कृत का अध्ययन हुआ है, तो उनके अंदर जो श्रद्धा है वो सात्विक है राजसिक है या तामसिक है, आप कृपया मुझे बताएं। और ये प्रश्न आपका भी है, आप भी जानना चाहते होंगे, कौन कौन जानना चाहता है कि आप सात्विक हैं राजसिक या तामसिक हैं, पता तो नहीं है आपको, किसी को बता सकता है भाई? हाँ जी आप सात्विक हैं हाथ खड़ा कर दो भाई, राजसिक है और तामसिक है, सब कंफ्यूज है। हाँ तो इन आपकी बातों का उत्तर योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से साफ साफ मिल रहा है। आप देखिए आगे जब अर्जुन ने पूछा कि आप लोग आपके लिए पूछा है जितने लोग मेरे सामने खड़े हैं ये सात्विक लोग हैं राजसिक हैं या तामसिक हैं, यही प्रश्न अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पूछा, इन तीनों जो लोग इतने हजारों लोग इस युद्ध में आ चुके हैं ये सात्विक हैं राजसिक हैं या तामसिक हैं, वो समय पूछा। और आज मैं आपके सम्मुख क्योंकि आप भी जानना चाहेंगे, कौन कौन जानना चाह रहे हैं सात्विक हैं राजसिक तामसिक हैं, तीनों प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग सात्विक हैं आप में से, कुछ राजसिक हैं और कुछ क्या है, तीनों हैं, सब तो रज और तम ही होता है, तीन इस संसार में चेतना होती है, तीन प्रकार की चेतना होती है, तीन प्रकार का मन होता है, क्या होता है, तीन प्रकार के मन में संस्कार होते हैं।